हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एसएस चंद्रावत। स्वागत है सभी का आदर्श एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। और आदर्श एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप में सरफेस कैरियर इंस्टीट्यूट झालरापाटन की ओर से आप लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है सभी क्लासेज। 11th की जितनी भी क्लासेज है वो सभी आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी, चाहे वो मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जैसे एग्रीकल्चर हो, बायोलॉजी हो, हिंदी इंग्लिश हो, सभी प्रकार की क्लासेज आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाई जा रही है। तो सभी प्यारे विद्यार्थी जो है इस ऐप को अपने सभी मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी प्यारे बच्चों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब शुरू करते हैं अपने आज का सेशन और इसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर फिर से हाजिर हो गया हूँ। 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री की उपयोगिता, अर्थात इस रसायन विज्ञान की क्या क्या उपयोगिता होती है, कहाँ कहाँ पर ये काम आती है, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बारे में पिछले सेशन में मैं आपको बता चुका हूँ कि रसायन विज्ञान का उपयोग एक तो किया जाता है आपके कहाँ पर, औद्योगिक क्षेत्रों में, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में काम आती है, जीव विज्ञान के क्षेत्र में काम आती है, ठीक है। तो बहुत सारे इसके उपयोग आप यहाँ पर होते हैं, बहुत सारे इसके महत्व होते हैं जिनके बारे में अपनी चर्चा पिछले सेशन में भी हो चुकी है, आज फिर उसको अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए, अब हम बात करते हैं कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में अपना बात हो चुकी थी। अगली उपयोगिता के बारे में बात करते हैं तो इसका उपयोग आता है युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में। अब देखो भाई विद्यार्थियों, युद्ध के क्षेत्र में आजकल जितने भी औजार बन रहे हैं, जितने भी हथियार बन रहे हैं, इन सभी में रसायनों का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बात करूं आप लोगों से यहाँ पर कि युद्ध के लिए जो आवश्यक सामग्री यहाँ पर है, जैसे कि युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री जैसे देखो कौन कौन सी सामग्री अपने युद्ध में काम आती है, जैसे टीएनटी को अपन बोलते हैं ट्राई नाइट्रो टालोइन है। इसके अलावा बात करते हैं अपन डायनामाइट है। इसके अलावा जितने भी प्रकार के बम होते हैं, ठीक है ना, जैसे हाइड्रोजन बम है। इसके अलावा बात करें अपन तो परमाणु बम है, कोबाल्ट बम है। इसके अलावा और अपन कुछ हानिकारक गैसें भी यहाँ पर काम आती है, जैसे कि क्लोरोपिक्रीन है, वह क्लोरोपिक्रीन तथा मस्टर्ड गैस जैसी विषैली गैसें युद्ध में विषैली गैसें जो होती है वो युद्ध में या रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अपन बात करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कि प्यारे बच्चों क्या हो गया है अपना टीएनटी हो गया है, डायनामाइट है, हाइड्रोजन बम है, परमाणु बम है, कोबाल्ट बम, क्लोरोपिक्रीन, मस्टर्ड गैस जैसी विषैली गैसें
रसायन विज्ञान की ही देन है, विज्ञान की ही देन है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जितने भी चीजें अपन युद्ध के क्षेत्र में काम में लेते हैं, ये सभी बनी किससे होती है? रसायनों से ही निर्मित होती है। ठीक है, अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं। तो ये हो गया युद्ध के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का उपयोग। ठीक है, अब बात करते हैं विभिन्न पदार्थों के निर्माण में। ठीक है ना, चलो यहाँ तक सभी को यह कंप्लीट हो गया है। चलो इसी के नीचे पर लिख देते हैं, सिक्स है विभिन्न पदार्थों के निर्माण में, पदार्थों के निर्माण में। ठीक है, विभिन्न पदार्थों के निर्माण की अपन बात करें तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात करते हैं बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे अति चालक सिरेमिक है, अति चालक सिरेमिक है, सुचालक बहुलक है, सुचालक बहुलक है। इसके अलावा बात करते हैं अपन तथा प्रकाशिक तंतु है, इसको अपन ऑप्टिकल फाइबर भी कहते हैं, है ना, ऑप्टिकल फाइबर जो टेलीफोन की लाइनों वगैरह में काम आता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर आदि के निर्माण में। आदि के निर्माण में रसायनों का प्रयोग होता है। तो ये विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, जैसे कि अति चालक सिरेमिक होती है, इसकी चालकता बहुत ज्यादा होती है, सुचालक बहुलक बनते हैं। इसके अलावा प्रकाशिक तंतु जो टेलीफोन की लाइनों में काम आता है। तो ये सभी जो पदार्थ हैं, इनका निर्माण भी किससे संभव हो पाया है? रसायनों से ही संभव हो पाया है। तो रसायन विज्ञान की बहुत सारी उपयोगिता है तेरे विद्यार्थियों, इसमें अपन ने बात की है तो युद्ध के क्षेत्र में काम आता है और एक विभिन्न पदार्थों के निर्माण में काम आता है। दो चीजें सभी को कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर और नेक्स्ट बात करें अपन, तो अगला उपयोग क्या होगा इसका देखते हैं। रसायन विज्ञान के अन्य उपयोग की अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट उपयोग होता है पर्यावरण के शुद्धिकरण में। ठीक है, पर्यावरण के शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है, पर्यावरण के शुद्धिकरण में, यानी पर्यावरण को अपन को साफ सुथरा भी तो रखना है, तो इस तरह से पर्यावरण के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग होता है। जैसे अपन बात करते हैं कि ओजोन परत जो है लगातार इसका क्या होता है जा रहा है, लगातार इसका जो है क्षरण होता जा रहा है, ये धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, और बहुत बड़ी चुनौती ही अपने लिए जो है बनकर आ रही है। इसी प्रकार से ग्रीन हाउस गैसें होती है, ठीक है, जो क्या करती है, ग्रीन हाउस गैसें जो होती है आपकी वायुमंडल में कहाँ से मुक्त होगी, ये मुक्त होती है आपके वाहनों से। ठीक है, और वाहनों से ये ग्रीन हाउस गैसें मुक्त होती है, दोपहिया वाहनों से, मोटर कारों से ये मुक्त होती है, जो वायु प्रदूषण को फैलाने का कार्य करती है। ठीक है ना, तो अब अपन क्या करेंगे कि ये सभी जो चीजें हैं सॉरी देखो विद्यार्थियों, पर्यावरण के शुद्धिकरण में अपन बात करते हैं तो अपन, मैंने आप लोगों को बताया है कि विभिन्न ग्रीन हाउस गैसें, विभिन्न ग्रीन हाउस गैसें CH4 है ना, मैथेन है,
CO2 है, NO2 है आदि वाहनों के धुएं से मुक्त होती है या उत्सर्जित होती है, बोल सकते हो मुक्त होती है, जिससे निरंतर वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वायु प्रदूषण का खतरा लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। अब आप बात करेंगे सर इसको रोकने में या पर्यावरण को शुद्ध करने में रसायनों की क्या भूमिका है, तो देखो इसे कम करने के लिए, इसे कम करने के लिए भाई वायु प्रदूषण को घटाने के लिए अपन को करना क्या पड़ेगा कि इन गैसों को अपन वायुमंडल में मुक्त होने से बचाएं। ठीक है, और इसका तरीका क्या है, तो इसका तरीका ये है कि ये गैसें किससे मुक्त हो रही है, वाहनों में जो पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है, उसके कारण क्या हो रही है, ये गैसें वायुमंडल में मुक्त हो पा रही है। ठीक है, अब अपन क्या करें कि वाहनों में पेट्रोल की जगह अपन क्या काम में लें, सीएनजी को काम में ले लें, और सीएनजी को काम में लेने से क्या होगा, सीएनजी को काम में लेने से ये होगा कि वहां पर वायुमंडल में मुक्त होने वाली हानिकारक गैसों में क्या आ जाएगी, कमी आएगी, जिससे प्रदूषण में क्या आएगी, कमी आ जाएगी। इस प्रकार से हम पर्यावरण को क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं रसायनों के प्रयोग से। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का प्रयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल जितनी भी ये बसेज होती है, अधिकांश जगहों पर जो बसेज वगैरह होती है, मोटर कारें वगैरह होती है, सभी सीएनजी से चलना प्रारंभ हो गई है। और ऐसा इसलिए हुआ है ताकि वायुमंडल में ये हानिकारक गैसें कम से कम मुक्त हो और वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके, प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये वायुमंडल को इस प्रकार से शुद्धिकरण में भी कौन काम आते हैं, आपका रसायन ही मुख्यतः काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, तो अगला उपयोग क्या होगा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट उपयोग क्या है, देखो बहुत सारे उपयोग है रसायन विज्ञान के, बहुत सारे उपयोग है दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में, आजकल हर क्षेत्र में रसायनों का प्रयोग जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, तो अपन बात करें अन्य क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में कहां कहां पर इसके उपयोग है, अन्य क्षेत्रों में। ठीक है, तो अपन बात करते हैं रसायनों का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे मौसम विज्ञान की अपन बात कर लेते हैं, इसके अलावा बात करते हैं अपन यहाँ पर कंप्यूटर का प्रचालन। कंप्यूटर आप लोगों को पता है, कंप्यूटर का प्रचालन है, किस प्रकार से कंप्यूटर चलता है, इसमें मुख्यतः काम आता है। इसके अलावा मोटर यान है वायु यान है। इसके अलावा हम बात करते हैं रॉकेट है। ठीक है, साथ ही बात करते हैं अपन यहाँ पर उपग्रह है,
उपग्रह है आदि के निर्माण में, भी होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है क्या रसायन विज्ञान के उपयोग, अर्थात रसायन विज्ञान को कहाँ कहाँ पर काम में लिया जाता है, इसके बारे में अपनी चर्चा हो गई है। ठीक है ना, तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को यहाँ तक की बातें समझ में आई होगी। मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज जीवन का हर क्षेत्र, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, वहाँ पर रसायनों का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ पर रसायनों का प्रयोग नहीं होता। तो ये मैंने आपको नॉर्मल जानकारी तो यहाँ पर दे दी है, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो सभी बच्चे जो हैं उनको यहाँ तक की बातें समझ में आई होगी। ठीक है, और यदि आपको ये समझ में आती है तो आप लोग उसको अधिक से अधिक शेयर करें अपने मित्रों के साथ, ताकि सभी मित्रों को लाभ प्राप्त हो सके प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए अपने इतना ही करेंगे, बाकी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय प्यारे विद्यार्थी।